नीतीश कुमार की सरकार का कहना है कि जातीय गणना सरकार बिहार के विकास के लिए कर रही है, साथ ही साथ उन जातियों के लिए कर रही है जिन्हें सुविधा नहीं मिली है। वहीं आज हम आपको बताने वाले हैं कि 12 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक स्वर्ण आयोग बनाया था। आइए आज हम जातीय गणना से पहले इस स्वर्ण आयोग के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इस स्वर्ण आयोग से बिहार में क्या हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे क्यों बनाया था। साल 2011 में बने स्वर्ण आयोग के एक सदस्य की माने तो लगभग 2.5 साल के जतन के बाद 2013 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। तामझाम के साथ रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, लेकिन उनके सुझाव आज भी फाइलों में धूल फांक रहे हैं। स्वर्णों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने ना कोई योजना बनाई और न ही सुझाव का अमल किया। लगभग 2 साल में 25 जिलों में अपने अध्ययन के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को बताया कि स्वर्ण जाति 49% यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे केवल गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। स्वर्णों का मुख्य पेशा कृषि है, लेकिन ये अपनी जमीनों को बेचने के लिए मजबूर हैं। हालात ये है कि राज्य में 55% से ज़्यादा स्वर्ण ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ की से कम जमीन बची है। आपको बता दे चलें कि ये दर्द बयान बिहार के उन 4 जातियों भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ की है जो गरीब हैं, लेकिन सरकार की गरीबी रेखा के पैमाने से बाहर हैं। आजीविका के लिए इनके पास पुश्तैनी जमीन थी, अपने बेटों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के लिए मजबूरन जमीन बेचनी पड़ रही है। सरकार के पास इनके लिए ना कोई योजना है और ना ही सरकार की तरफ से गरीबों के लिए बनाई किसी योजना में फिट बैठते हैं। मजबूरन रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में ये दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर है, लेकिन सरकार के आंकड़ों में ये आज भी स्वर्ण यानी कि सशक्त वर्ग में शामिल है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि बिहार में 46.3% स्वर्णों का मुख्य पेशा कृषि है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 46.3% स्वर्ण कृषि पर निर्भर है। अगर जातियों की बात करें तो 37.7% ब्राह्मण, 62.5% भूमियार और 49.8% राजपूत और 22.1% कायस्थ के मुख्य पेशी खेती है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुख्य पेशा होने के बाद भी स्वर्ण अपनी जमीन बेचने को मजबूर है। रिपोर्ट के मुताबिक 10.5% से ज्यादा भूमियार अपनी जमीन बेच रहे हैं। वहीं राजपूत के आंकड़े 8% हैं, ब्राह्मण के 5.8 और कायस्थ के 4.6 हैं। ओवरऑल की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5 स्वर्णों अपनी जमीन को बेच रहे हैं। कृषि से प्राप्त आमदनी और रोजगार नहीं मिलने के कारण लगभग 18.1% आबादी हमेशा से आय के दूसरे स्रोतों पर आश्रित रहती है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिहार में 55.1 स्वर्ण ऐसे हैं जिनके पास अब 1 एकड़ से भी कम जमीन बची है। लगभग 33.5% स्वर्ण आबादी ऐसी है जिसके पास अपनी कृषि योग्य कोई भूमि नहीं है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिहार में अभी लगभग 20% स्वर्ण आबादी के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। 19.9 आबादी कच्चा मकान और झोपड़ी में रह रहे हैं। मात्र 47.8% स्वर्ण ग्रामीण आबादी के पास अपना पक्का मकान है। वहीं 24.8% स्वर्ण आबादी ऐसी है जिसके पास सेमी कच्चा मकान है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36.6% स्वर्ण आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, यानी सरकार के पैमाने पर ये बीपीएल कार्ड के हकदार है, जबकि 48.7% ग्रामीण आबादी के पास बीपीएल कार्ड है। वहीं 14.2% आबादी का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। 69% स्वर्ण आबादी ग्रामीण क्षेत्र में नियमित तौर पर सरकारी राशन दुकान के उपभोक्ता हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय गणना करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस जातीय गणना से बिहार में उन जातियों को लाभ मिलेगा जिनका रोजगार कम है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, भूमि नहीं है, वो पिछड़े हैं, तो सरकार उनकी मदद करेगी। वहीं आपको बताते चलें कि 12 साल पहले स्वर्णों के लिए ये बनाया गया था, लेकिन अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। ये फाइल तो बनी, लेकिन ये फाइल पर धूल जम गई।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।